एक कॉमन चैलेंज जो बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं इज दैट कि मैम मुझे एक चीज में हेल्प कीजिए कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे दिन का जो है काफी इम्पोर्टेंट और काफी टाइम ले जाते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ और भी कर सकता था, जिसके अंदर मैं कुछ और भी प्रोडक्टिव कर सकता था, बट क्योंकि वो मेरे से बात करके ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं इसलिए मुझे वो टाइम उनको देना पड़ता है। सो आई टेल देम कि ये प्रॉब्लम बेसिकली क्लाइंट्स के साथ इसलिए आता है, हमारे हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लाइंट है वो आपसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको जो है बेस्ट सर्विस चाहिए, क्योंकि उसको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट आपसे कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी डिलीवरीज की बात कर रहा है, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, उसके ऑर्डर्स की, उसके प्रोजेक्ट की, वो फास्टेस्ट हो सके, जो कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बिजनेस ओनर से डायरेक्ट बात करूंगा तो डेफिनेटली वो चीजें होने के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि अगर मैं टीम के थ्रू जाऊंगा। राइट, सो ये कहीं हद तक तो ठीक है, वो किस लेवल पर ठीक है, बिकॉज ये होता क्या है कि जब आप एक क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हो एज अ बिजनेस ओनर, तो आप जो है कुछ ही लिमिटेड ऑर्डर्स के साथ, कुछ ही लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ आप वन टू वन जो है इंटरेक्ट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। फाइन, बट जब आपके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्लाइंट की आदत को या अपने सिस्टम को किस तरीके से सेट किया जा सके ताकि जो है जो ट्रस्ट आपके क्लाइंट का आपकी तरफ है, वही ट्रस्ट जो आपके क्लाइंट का है आपकी टीम की तरफ भी हो सके, उसको ये सेटिस्फेक्शन हो सके कि मुझे डायरेक्टली बिजनेस ओनर के पास नहीं जाना है, मैं अगर उनकी टीम के पास भी जाऊंगा तब भी मेरा काम उसी तरीके से होगा। सो इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप। कैसे? आपको उन्हें ये समझाना है, उनको कन्विंस करना है, और कन्विंस से पहले भी मैं कहूंगी कि ये चीजें अपनी कंपनी के अंदर सेट करनी है कि चाहे वो आप बात कर रहे हो, चाहे आपकी टीम बात कर रही हो, चाहे वो प्राइसिंग पर है, चाहे वो डिलीवरी पर है, चाहे वो किसी भी तरीके की और सर्विसेज वो चाह रहा है करके, नो जो है उस केस के अंदर आप लोगों की बात के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपकी टीम किसी तरीके से कह रही है और आप किसी तरीके से कह रहे हो करके, किसी तरीके से कर रहे हो, आपसे बात करने के बाद जो है चीजें जल्दी मूव होती हैं। तो ये चीजें पहले तो आपको अपनी कंपनी के अंदर सेट करनी है सिस्टम्स की फॉर्म में, एंड नेक्स्ट जो है आपको अपने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट कराना है एंड दैट टू कन्विंस करना है कि सर अगर आप मुझसे बात कीजिए, चाहे मेरी टीम से बात कीजिए, वी हैव अ सिस्टम इंटरनली इन आवर कंपनी जिससे जो है जो भी आपने चाहे वो सर्विस की बात की है, आपने कोई प्रोडक्ट की बात की है, आपको कुछ प्राइसिंग चाहिए, आपकी आपके प्रोजेक्ट की या आपके ऑर्डर की एग्जीक्यूशन की बात है, वो हमारी कंपनी के अंदर एक सिस्टम है जिस सिस्टम से वो फॉलो होता है, और मैं भी जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, जिस तरीके से मैं भी कम्युनिकेट करूंगा, वो उस सिस्टम का ही एक पार्ट है, और जो उस सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी तरीके से करूंगा। तो ये आपको उनको कन्विंस कराना है कि आपकी कंपनी के अंदर एक ऐसा माहौल है, एक सिस्टम है जिससे जिस तरीके से भी, चाहे वो कह लीजिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, हमारा प्राइसिंग का सिस्टम सेट है, स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं करके, वो अगर प्राइस आप मुझसे भी मांगोगे, चाहे मेरी टीम से मांगोगे, वो डेफिनेटली सेम मिलेगा। तो वो चीजें आपको इंश्योर करनी है, और जब ये करने के बाद भी शायद आपका क्लाइंट आपके साथ बात करे, बट जब वो चीजें ये देख लेगा कि दो तीन बार चार बार वो ट्राई करेगा कि जो जो चीजें आपकी टीम ने कही, अगर वो आपके पास भी दोबारा आता है, आपसे भी सेम सिमिलर तरीके का जवाब मिलता है, तो डेफिनेटली उसको ये आइडिया लग जाएगा, वो कन्विंस हो जाएगा इस चीज से कि यस यू हैव अ सिस्टम इन योर कंपनी। और ऐसा नहीं है कि ओनर को या हमारे सप्लायर को या बाऊजी को फोन कर जो है जल्दी से काम हो जाएगा। सो यू नीड टू डेवलप दैट थिंग इन योर कंपनी, और जब ये माहौल आप अपनी कंपनी के अंदर बना लोगे ना, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे कि क्लाइंट्स डायरेक्टली आपको बात करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि कंपनी में चाहे आप एक एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, चाहे एक मैनेजर से बात कर लीजिए, चाहे एक ओनर से बात कर लीजिए, उनकी चीजें जो है उतनी ही स्पीड से, उतनी ही बेस्ट तरीके से मूव हो रही है। तो जब ये कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंज नहीं आएगा।